हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल कन्वर्जन सीरीज का 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट यू आई डी और सेट जी आई डी क्या होती है, कैसे इनको सेट किया जाता है। सेट यू आई डी और सेट जी आई डी शॉर्ट फॉर्म है सेट यूजर आई डी और सेट ग्रुप आई डी का, ठीक है। ये दोनों यूनिक्स के एक्सेस राइट फ्लैग है जो ये किसी यूजर को अलाउ करते हैं कि वो किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के ओनर और ग्रुप की परमिशन के साथ में आप उसको एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिस्टम में एक फाइल है एबीसी, एग्जीक्यूटेबल फाइल है एबीसी, ठीक है, और उस फाइल का ओनर है A1 और उस फाइल पर हम सेट यूआईडी बिट सेट कर देते हैं। तो जैसे हम सेट यूआईडी बिट सेट करेंगे तो ये अदर यूजर्स को अलाउ करेगी कि आप उस फाइल को A1 की परमिशन के साथ में एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। A1 उस फाइल का ओनर है, इसलिए जब भी कोई अदर यूजर जिनको उस फाइल पर एग्जीक्यूट की परमिशन है वो उस फाइल को उस फाइल के ओनर यानी A1 की परमिशन के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट क्यू आई डी और सेट जी आई डी उन टास्क के लिए यूज की जाती है जिनको हायर प्रिविलेज की जरूरत होती है। जैसे यूजर को अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो लॉगिन पासवर्ड चेंज करने के लिए passwd कमांड का यूज किया जाता है, और passwd कमांड की जो मेन कॉन्फिगरेशन फाइल होती है वो होती है /user/usr/bin/passwd, और उस फाइल पर स्टिकी बिट सेट यूआईडी बिट सेट होती है जिनके कारण जो अदर यूजर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सेट यूआईडी, अगर किसी एग्जीक्यूटिव फाइल पर आप सेट यूआईडी सेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उस एग्जीक्यूटिव फाइल पर उन यूजर्स को जिनको उस फाइल पर एग्जीक्यूट की परमिशन है उन यूजर्स को उस फाइल के ओनर की परमिशन मिल जाती है, ठीक है, यानी उस फाइल को वो एज ओनर उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। द सेट यूआईडी सेट यूजर आईडी इज अ परमिशन बिट दैट अलाउज द यूजर्स टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम विद द परमिशंस ऑफ इट्स ओनर। द सेट यूआईडी सेट जीआईडी is a bit that allows the users to execute a program with the permissions of the group owner. And अगर आपको group level permission अगर आपको change करनी है तो उसके लिए set group ID का use किया जाता है, set GID का use किया जाता है। set UID को S से represent किया जाता है, set GID को भी S से represent किया जाता है, sticky bit को T से represent किया जाता है, set UID को जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है होता है वो होता है 4, और सेट जी आई डी के लिए यूज होता है 2 और स्टिकी बिट के लिए यूज होता है 1, ठीक है। अगर आपको सिंबलिक मोड में सेट यू आई डी बिट सेट करना है तो उसके लिए कमांड होगा chmod \u+f\filename, ठीक है। अगर उसी तरह अगर आपको न्यूमेरिक मोड में अगर सेट यू आई डी सेट करना है विद द परमिशन 766, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod 4766 और उसके बाद फाइल नेम, ठीक है। अगर आपको सेट यूआईडी बिट रिमूव करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod \u-s\filename। उसी तरह अगर आपको सेट जीआईडी बिट सेट करना है तो उसके लिए कमांड यूज होता है chmod \g+s\filename। अगर आपको 766 परमिशन के साथ में अगर न्यूमेरिक मोड में सेट करना है सेट जीआईडी बिट तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod \2766\filename और या डायरेक्टरी नेम, ठीक है। टू रिमूव द सेट जीआईडी बिट, अगर आपको सेट जीआईडी बिट रिमूव करनी है तो उसके लिए कमांड होता है chmod \g-s\filename। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद हम passwd जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है जिससे यूजर का लॉगिन पासवर्ड चेंज होता है उसकी हम परमिशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विच कमांड एग्जीक्यूट कीजिए और passwd, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /usr/bin/passwd /l/usr/bin/passwd। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्टिकी बिट सेट यूआईडी बिट यहाँ पर सेट है, ठीक है, इसलिए
जो अदर यूजर्स होते हैं, यानी इस फाइल का ओनर कौन है? रूट। ठीक है, तो जो भी अदर यूजर्स होंगे, ठीक है, जब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, पासवर्ड कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो इस फाइल के ओनर यानी रूट की परमिशन के साथ में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर यूजर्स को यहां परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो अदर यूजर्स इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो जब ये अदर यूजर इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो इस फाइल के ओनर यानी रूट की परमिशन के साथ में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पासवर्ड कमांड यूज करते हैं, नॉर्मल यूजर से एग्जीक्यूट करते हैं, तब नॉर्मल यूजर पासवर्ड कमांड के साथ में कोई यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, या रूट यूजर ही पासवर्ड कमांड के साथ में यूजर नेम स्पेसिफाई कर सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। हाँ, पासवर्ड कमांड के थ्रू यूजर अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं mkdir। ठीक है, तो ls-l /usr/bin/mkdir। तो यहां पर देखिए अभी कोई भी सेट यूआईडी बिट सेट नहीं है, और विदाउट सेट यूआईडी बिट के थ्रू हम यूजर A1 से लॉगिन करते हैं। इसका ओनर है mkdir का रूट, ठीक है, और ग्रुप ओनर है रूट। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं su-a1। PWD चेक कर लीजिए, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब यहां पर मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, सॉरी एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, mkdir abc। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहा है कि mkdir abc पहले से एग्जिस्ट है। ठीक है, तो पहले जो डायरेक्टरी है उनको हम रिमूव कर देते हैं। mkdir abc, तो अब चेक कर लीजिए। तो देखिए यहां पर एबीसी का जो ओनर है वो कौन है? A1। ठीक है, और ग्रुप ओनर है A1, और इसको परमिशन मिली है RWX और RX। ठीक है, अब मैं यहां पर स्टिक बिट सेट कर देता हूं, सेट यूआईडी बिट सेट करता हूं, U+S/USR/bin/mkdir L-L/USR/bin/mkdir। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक यहाँ पे सेट क्यूआईटी बिट सेट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर mkdir करके A1 डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, A1 dir L-L। तो देखिए इस बार A1 डायरेक्टरी का जो ओनर है वो कौन हुआ? रूट। ठीक है, ओनर कौन हुआ? रूट। इस डायरेक्टरी का ओनर क्रिएट हुआ है रूट। ठीक है, इस तरह हम सेट यूआईडी सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप हुआ क्या कि जब भी आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ये फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये फाइल एज अ ओनर यानी इस फाइल का ओनर कौन है? रूट। ठीक है, तो रूट की परमिशन के साथ में एग्जीक्यूट होगी, उसके कारण ये जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की mkdir कमांड के थ्रू, तो उसका ओनर कौन क्रिएट हुआ? रूट। जबकि हमने इससे पहले डायरेक्टरी क्रिएट की थी एबीसी, तब हमने सेट यूआईडी बिट सेट नहीं किया था। ठीक है, तब इसका ओनर कौन था? A1, क्योंकि A1 ने इसको एग्जीक्यूट किया था। अब एग्जीक्यूट किया है A1 यूजर ने, लेकिन इसका ओनर कौन हुआ? रूट। ठीक है, और ग्रुप ओनर कौन हुआ? A1। उसी तरह अब मैं फिर से chmod यू, अगर आपको सेट यूआईडी बिट रिमूव करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है U-S USR bin mkdir। तो देखिए यहां पर हमने सेट यूआईडी बिट रिमूव कर दिया है। अब यहां पर
हम चेक करते हैं कि सेट जी आई डी बिट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं, एम के डी आर माई डी आर। ठीक है, पहला साइपन एल, तो माई डी आर डायरेक्टरी का ओनर है ए वन और ग्रुप ओनर है ए वन। ठीक है, सी डी एम के, सॉरी सी डी माई डी आई आर एल एस आइपन एल। इसके अंदर भी कोई भी फाइल नहीं है और कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पर जाता हूँ सी डी स्लैश होम स्लैश ए वन एल एस आइपन एल कीजिए और इसके अंदर जाइए माई डी आई आर। ठीक है, एल एस आइपन एल कीजिए तो यहां पर एक फाइल क्रिएट कर दीजिए, टच रूट my root .txt। ठीक है, ls open। तो देखिए इस फाइल का ओनर कौन हुआ, root, और ग्रुप ओनर हुआ root। ठीक है, अभी तक हमने set gid bit set नहीं किया, अब मैं set gid bit set करता हूँ। ठीक है, cd dot dot ls open l clear। यहां पर मैं chmod g plus s my dir। ठीक है, ऐसा करें तो देखिए यहां पर सेट जी आई डी बिट सेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं या कोई फाइल क्रिएट कर ले, टच माई रूट वन डॉट टी एक्स टी। तो देखिए माई रूट वन डॉट टी एक्स टी का जो ग्रुप ओनर वो कौन क्रिएट हुआ है, ए वन। ठीक है, क्योंकि हमने उस डायरेक्टरी पर परमिशन सेट की है, उस डायरेक्टरी पर सेट जी आई डी बिट सेट किया है। ठीक है, जी प्लस एस इस कमांड के थ्रू, तो सेट जी आई डी जैसे सेट करेंगे तो क्या होगा कि इस डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप ओनर कौन है, ए वन। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी हम कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, चाहे किसी भी यूजर से करें, ठीक है, किसी भी यूजर से, ठीक है, तो उनका ग्रुप कौन क्रिएट होगा, ए वन, क्योंकि इस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर कौन है, ए वन। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा है कि जो फाइल हमने क्रिएट की थी माई रूट डॉट वन डॉट टी एक्स टी, तब हमने सेट जी आई डी बिट सेट कर दिया था। ठीक है, तो जैसे ही फाइल क्रिएट की तो उसका ओनर तो कौन क्रिएट हुआ, रूट, लेकिन उसका ग्रुप ओनर कौन क्रिएट हुआ है, असाइन हुआ है, ए वन। ठीक, लेकिन इससे पहले जब हमने माई रूट डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट की थी, तब उनका जो ओनर था वो कौन था, रूट, और ग्रुप ओनर था रूट। ठीक है, तो इस तरह हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट यू आई डी और सेट जी आई डी बिट का बिट को सेट कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।